हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मेथी पराठा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप चॉप की हुई मेथी, स्वादानुसार यहाँ पर मैं नमक डालूँगी। मैंने मिक्सी जार में लहसुन, अदरक लहसुन और हरी मिर्च और ज़ीरा लिया है, उसे एक बार मिक्सी में घुमा लिया। वो डालने के बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी डाली है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच तेल डालूँगी। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। हमारा आटा गूंथकर रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर गीला कपड़ा ढककर रख दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट होने के बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आटा का छोटा गोला लिया है, बॉल साइज़ का। अब मैं इसे आटे में डिप करके थोड़ा बेल लूँगी। हमें इस तरह से बेलना है। अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे। ऐसे ऑयल लगाने के बाद हमें इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे गोल गोल फोल्ड करना है, जैसे हम आलू पराठा वगैरह बनाते वक्त पोटली बनाते हैं उस टाइप से। और फिर इसे हमें गोल कर लेना है। अब हम इसे गोल राउंड शेप में बेल लेंगे। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड होने के बाद हमें तेल नहीं लगाना है, उसे पलट कर फिर तेल लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर तेल लगा लिया। अब हम इसे पलट देंगे और इस साइड में भी तेल लगा लेंगे। अब नीचे की साइड से पराठा बनकर रेडी है। अब ये साइड सेक लेंगे। अब यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म मेथी पराठा बनकर तैयार है। मैं यहाँ पर हरी मिर्च और पीनट्स रोस्ट कर लिया है और इसमें मैंने डाला है नमक और पानी और लहसुन की 4-5 कलियाँ। अब मैं इसे अच्छे से चटनी बना लूँगी। हमारी चटनी रेडी है। अब मैं सर्व करूँगी हमारी पीनट्स की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ। तो हमारा मेथी पराठा रेडी है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।